फ्रांस के पेरिस में इसी साल 26 जुलाई से खेलों का सबसे बड़ा महाकुंभ ओलंपिक होने जा रहा है। खेल मंत्रालय ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल की घोषणा की। भुवनेश्वर के लिए एक बड़ी उपलब्धि ये है कि कीट डीम्स विश्वविद्यालय के 12 प्रतिभावान खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुए हैं। बता दें कि पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। खिलाड़ियों के साथ पेरिस ओलंपिक में 140 लोगों का सपोर्ट स्टाफ भी साथ जाएगा। कीट देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो एथलीटों का सबसे बड़ा दल भेज रहा है। कीट किस के संस्थापक डॉक्टर अच्युत सामंत ने क्वालिफाई करने वाले हर एक खिलाड़ी को 7-7 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है, जिससे उन्हें क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और देश का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इन खिलाड़ियों में पुरुष हॉकी में अमित रोहतास, भाला फेंक में किशोर कुमार जेना, 3000 मीटर स्टीपल चेंज और 5000 मीटर में पारुल चौधरी, 20 किलोमीटर रेस वॉक और मैराथन रेस वॉक मिक्स्ड रिले में प्रियंका, जेवलिन थ्रो में अन्नू रानी, 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति आराजी, शॉर्ट पुट में तेजेंद्र पाल सिंह तूर और आभा खटुआ, 4x400 मीटर रिले रेस में प्राची, 5000 मीटर में अंकिता, 20 किलोमीटर रेस वॉक में परमजीत सिंह बिष्ट और मैराथन रेस वॉक मिक्स्ड रिले में सूरज पवार शामिल हैं। कीट कीस के संस्थापक डॉक्टर अच्युत सामंत ने भुवनेश्वर में एक विशेष कार्यक्रम में इस दल को बधाई देते हुए कहा कि आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने आपको इस प्रतिष्ठित मंच पर पहुंचाया है। सभी 12 खिलाड़ी जो फिलहाल यूरोप के अलग अलग देशों में हैं, कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए।